क्या नीतीश कुमार को हैप्पी एंडिंग कर देनी चाहिए? नहीं, नीतीश कुमार को की हैप्पी एंडिंग करनी चाहिए। नीतीश कुमार बिहार के विकास पुरुष है, विकास पुरुष को हैप्पी एंडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुकेश सहनी की क्या गिनती है, मुकेश सहनी की क्या औकात है जो नीतीश कुमार को ये बात बोले हैप्पी एंडिंग करने के बारे में? हम जैसे युवाओं को। अच्छा, तो भाई आप अपना लड़ो, नीतीश कुमार अपने जगह पे सही है। और लेकिन आप बताइए मैडम, नीतीश कुमार की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, नीतीश कुमार जी बिहार में कहीं ना कहीं विकास जो आप इस तरह से देख रहे हो 2004 के बाद, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बिहार में विकास के लिए बहुत अच्छा काम किया है। और आपको पता होना चाहिए, जिस टाइम आप लोग मैट्रिक इंटर आप लोग के ज़माना में नहीं हो रहा होगा, उस टाइम मैट्रिक इंटर जो है लड़की लोग का योगदान में सबसे बड़ा नीतीश कुमार का बहुत बड़ा रोल मॉडल है, नीतीश कुमार की वजह से। और नीतीश कुमार ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने धर्म पे कभी वोट नहीं मांगे, कभी हिंदू मुसलमान करके वोट नहीं मांगे, इसका नाम है नीतीश कुमार, समझे। नीतीश कुमार ऐसे, नीतीश कुमार को बिहार के युवा आए जीवन पसंद करेगी। विपक्ष लेकिन लगातार से कहते आया है कि थक चुके हैं, जो सीएम है बिहार के थक चुके हैं। सही बोल रहे, विकास करते करते नीतीश कुमार थक चुके हैं, तो गद्दी किसी और को सौंप देना चाहिए। बोले विकास करते करते नीतीश कुमार थक चुके हैं, गद्दी किसी और को सौंपना चाहिए। कैसे यादव के, नहीं नहीं नहीं, गद्दी किसी को सौंपने देनी चाहिए। आए जीवन जब तक नीतीश कुमार के बॉडी में सांस है तब तक बिहार की युवा अंतिम क्षण तक उसके साथ, नीतीश कुमार के साथ। चलिए, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को हैप्पी एंडिंग कर देनी चाहिए। मुकेश सहनी क्या औकात है नीतीश कुमार को बोल दे, कुछ है नीतीश कुमार के सामने? हम जैसे युवाओं को जिम्मेवारी दीजिए, मौका दीजिए। नीतीश कुमार अभी उनको शायद पता नहीं है, मुकेश सहनी उनके सामने बच्चा है नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार ने जितना किया है ना, उतना मुकेश सहनी 7 जन्म रख लेना पड़ेगा करने के लिए बिहार के लिए। युवाओं को तो मौका मिलना चाहिए ना। कौन, मुकेश सहनी? हम तो नीतीश कुमार के साथ हैं, हम लोग भी युवा, हम आपको बूढ़े दिख रहे हैं। अभी नीतीश कुमार नया कीर्तिमान रचे हैं, उसका कोई बात नहीं कर रहा है। 1957 को BPSC पद दिए हैं, अभी बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो कि बिहार का सर्वश्रेष्ठ BPSC पद है, मतलब बिहार का सर्वश्रेष्ठ वही पद न है, उसमें 1957 को भर्ती आया है। बिहार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन चमचों को केवल सरकार की कमियां दिखती हैं। सरकार को छोड़िए, और भी जो विपक्ष में वो भी कहते हैं कि जो सीएम है वो थक चुके हैं बिहार को। अरे कहाँ थके, अभी कल ही परसों का बात है, 1957 को पद कल ही परसों निकला था। वंदे भारत एक्सप्रेस 3 चला है बिहार से, बिहार के लिए सही है, बिहार के लिए एकदम बेस्ट है। जब तक है नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, जब तक अपने मुंह से छोड़ेंगे तो हो जाएगा। चलिए, क्या कुछ कहेंगे? मुकेश सहनी कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार को हैप्पी एंडिंग कर देनी चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है, 25-30 फिर से नीतीश, 25-30 फिर से नीतीश, हाँ एकदम। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि हैप्पी एंडिंग, मुकेश सहनी है क्या जी, सलाह दिए सलाह दिए अपना वो बिठाएगा मुखिया के इलेक्शन जीत सकते हैं अपने बदौलत, दूसरे का सलाह देने चलते हैं, सलाहकार हो गए हैं वो कौन पूछने वाला है। पीछे अपना लगा चलते, कभी RJD में जाएंगे, कभी BJP में जाएंगे, पीछे पीछे अपना दौड़ते चलेंगे, उनको काम क्या है? उसके अलावा देखो, युवाओं को जिम्मेवारी दीजिए। हम युवाओं को जिम्मेवारी, युवाओं खूब जिम्मेवारी ले रहे हैं अपने आप। नहीं संभाल सकते बिहार, कभी नहीं संभाल सकते हूँ। मुकेश सहनी कभी नहीं संभाल सकते हैं। नीतीश अभी है तो नीतीश है, 25 हाँ तय है नीतीश, हाँ। क्या कुछ कहेंगे? मुकेश सहनी सलाह दिए नीतीश कुमार को कि हैप्पी एंडिंग कर लीजिए। कौन मुकेश सहनी? VIP सुप्रीमो जो है, VIP पार्टी सुप्रीमो, मछलिया वाला का, मछलिया वाला, क्या मछली वाला? अरे मछलिया वाला जो तेजस्वी के साथ मछलिया खा रहा था हेलीकॉप्टर में, वो वही। अच्छा, वो मुकेश सहनी क्या बोला है? बोले कि अब हैप्पी एंडिंग कर लेना चाहिए नीतीश कुमार। किसको? नीतीश कुमार को। गलती से अपने बारे में तो, गलती में तो, गलती से अपने बारे में तेजस्वी यादव के बारे में नहीं कह रहे हैं कि हैप्पी एंडिंग कर लेना चाहिए। नाम को मौका मिलना चाहिए। कौन है युवा? मुकेश सहनी हो। अरे 20 साल के बाद उन्हें दोनों के विधवा पेंशन की उम्र हो जाएगा। अब आप कह रहे हैं कि युवा है वो लोग, अरे गजब आदमी है। युवा का मतलब होता है 25-30 साल, ठीक ना? बिहार सही से संभाल रहे हैं नीतीश कुमार। अरे बिहार का दूसरा नाम नीतीश कुमार है, बिहार का दूसरा नाम समझिए कि नीतीश कुमार है, समझे? मुकेश सहनी ऐसा सलाह काहे दे रहे हैं, हैप्पी एंडिंग कर लीजिए। अरे हम क्या बोल रहे हैं आपको कि मुकेश सहनी अपने बारे में चाहे तेजस्वी यादव के बारे में बोल रहे हैं, गलती से निकल गया नीतीश चाचा के बारे में, ठीक ना, कि हैप्पी एंडिंग करने चाहिए। हम बता, सुनिए अब हम बताना चाहते हैं आपको, बता दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए आप कि अगर घर में बाबूजी रहते हैं तो बेटा का अधिकार हो जाएगा घर पे, कि जब तक बाबूजी रहेंगे तब होगा?
है कि नहीं? तो जब तक नीतीश कुमार है तो वो कहेगा कि हमको अधिकार देना चाहिए बिहार का, तो घर से बाप को निकाल देते हैं। देखे नहीं कलयुग है, सुनिए बेटा बाप को। नीतीश कुमार ऐसा बाप है ना कि बढ़िया बढ़िया बेटा के कान पकड़ के बिहार से हटा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया बेटा के कान पकड़ के हिला सकते हैं, समझ गए ना? मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव क्या है बता दे रहे हैं आपको, तेजस्वी यादव मुकेश सहनी कुछ नहीं होंगे सामने। हैप्पी एंडिंग नहीं होगा, एकदम हैप्पी हैप्पी होगा 2025 में जब फिर से नीतीश कुमार जब शपथ लेंगे, समझ गए? फिर से नीतीश कुमार में फिर से शपथ ले वाला है, एकदम हैप्पी हैप्पी होगा बिहार। अगर ये लोग आ गया ना तो पक्का है कि अनहैप्पी होगा बिहार। ये दोनों आ गया, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव दोनों आ गया तो बिहार अनहैप्पी होगा। जोड़ी कितना सुपरहिट था, लोकसभा में नहीं देखे थे का जी कितना जगह? ऐसे तो बतियाया था, लग रहा है कि हीरो गांजा के जोड़ी है, लोकेशन बतिया रहा। अरे गजब आदमी है जी आप लोग, पॉलिटिकल अच्छा लगता है ना, साथ में वो लोग चुनावी सभा करते हैं। हाँ साथ में चुनावी सभा का दर बहुत अच्छा है। मुकेश सहनी अगर कह रहा है कि युवा है हम मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेगा तो खाली मछलियां मरवे करेगा, उसके काम उसके अलावा कुछ काम नहीं करेगा, सब मछली मार के खा जाएगा। अरे अपन घर तो उसे संभाल ही नहीं रहा है तो बिहार का संभालेगा? एक अपना घर तो संभाल नहीं पा रहा है, पूरा बिहार संभाल लेगा उसे। नीतीश कुमार के विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है, हम नालंदा से बिलोंग करते हैं। नालंदा से हैं? हाँ, हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के छात्र जिला अध्यक्ष हैं। उन्हीं के गांव से इसीलिए इसे बोल रहे हैं। गांव से नहीं है, उन्हीं के इलाका से। और विकास का कोई पैमाना क्रेडिट दिया जाए तो नीतीश कुमार का। मुकेश सहनी कह रहे हैं मुकेश मुकेश सहनी कहने से कुछ नीतीश कुमार कहने नहीं जा रहा है। क्या कहेंगे मुकेश सहनी, सलाह दिए नीतीश कुमार को? क्या मुकेश सहनी के बारे में हम क्या कह सकते हैं, वो एक ऐसे ही एक नेता पे तौर पे है। हम नीतीश कुमार के बारे में कुछ अलग कह भी नहीं सकते हैं। देखिए कभी भी कोई भी व्यक्ति को अगर मतलब ज़्यादा ऊँचा करना तो उसकी एक एज भी मायने रखती है, ठीक ना? तो वो एक राजनीति क्षेत्र में बहुत दिनों से है और वो जो व्यक्ति है वो एक कहने का मतलब इंटरनेशनल लेवल के लीडर तो बन चुके हैं और ये भी कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे अभी काम कर रहे हैं बिहार में। अगर देखा जाए 2005 के बाद से या तो 2010 के बाद से बिहार में ऑब्वियसली ये देखा जाता है कि देखें कि विकास बहुत हद तक है। अभी गांव में आप जाकर देखिए, हम शहरों की बात बोलते हैं, शहर में रहते हैं इसलिए कि शहर मेरा विकासशील हो चुका है। आप गांव में जाकर देखिए, जहां तक बिजली नहीं पहुंची थी वहां 2011 से बिजली पहुंची है। अभी थोड़ी सी स्थिति यह है कि रोड वहां की रोडवे थोड़ी सी डैमेज हो चुकी है, बट नीतीश कुमार की सरकार में यह है कि किसी भी गाँव सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए, इंडस्ट्रियल एरिया से जोड़ने के लिए वो हाईवे से जोड़ रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि देश में, और वह भी एक लोकसभा में 14 सीट लाकर आप अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। कि आप देखिए अभी गया में, हम गया से हैं तो गया में देखिए काशी कॉरिडोर की तरह बोध गया महाबोधि कॉरिडोर बन रही है। और फिर बात खुद नरेंद्र मोदी ने आकर गया में ये भी बोला था कि हम डोभी कॉरिडोर को बनाएंगे, वो इंडस्ट्रियल एरिया बनाई जाएगी। तो उस सेक्टर में धीरे धीरे काम किया जा रहा है। कहना ये चाहते हैं कि आप किसी भी व्यक्ति को हैपेंडिंग नहीं करना चाहिए, ठीक ना? अगर आप में साहस है, हिम्मत है, आपकी बुद्धिमत्ता है तो आप अपने देश के लिए एकदम बुजुर्ग भी, अटल बिहारी वाजपेयी भी, आप जानते होंगे अटल बिहारी वाजपेयी, चौधरी चरण सिंह, क्या वो बुजुर्ग बहुत अच्छे व्यक्ति थे? बहुत अच्छे व्यक्ति थे और कितना इतना अपने एज अंतिम एज तक भी उन्होंने अच्छे काम किए। अभी अगर देखा जाता है कांग्रेस के एक हमारे बहुत ही अच्छे नेता हुए हैं जो प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह, क्या पिछले दो दशक वो रहे थे प्रधानमंत्री के तौर पर रहे थे, क्या उन्होंने काम नहीं किया अपने देश को, GDP को कहाँ पे? हमारे पास देश के पास अगर देखा जाए तो 15 दिन का पैसा बचा था। आज भारत तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पाँचवें नंबर पर GDP में आता है, अभी पाँचवें नंबर पर फिलहाल। क्या तो हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी पार्टी में मतलब नेता अच्छा होना चाहिए, उसके साथ ही जो है उनके जितने भी मिनिस्ट्री जो लोग होते हैं वो अच्छे होने चाहिए। अभी भी बोल सकते हैं रोडवे के नितिन गडकरी को हम देख सकते हैं, बहुत शानदार लीडर है। कहना यही चाहते हैं, जनता यही कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही सही है और विकास पुरुष के नाम से उन्हें जाना जाता है। मुकेश सहनी ने जो सलाह दिया है, जनता उनसे बिल्कुल भी सहमत नहीं है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।